शनिवार को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की मेल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसमें कैथल पुलिस ने 6 आरोपियों को उसी वक्त पकड़ लिया था, जिनमें से एक आरोपी कैथल का कोचिंग सेंटर संचालक रमेश हुआ है, जो अभी तक मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है। आज भी 7 आरोपियों को पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया। अब तक कैथल पुलिस ने इस मामले में 13 आरोपियों को पकड़ा है। 6 आरोपियों का पुलिस ने रिमांड मांगा है। पुलिस ने 7 कौन कौन से आरोपी पकड़े हैं, इस बारे में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी गई। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, 7 तारीख को हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा थी, तो उसी दिन हमारी CIA 1 की टीम को गुप्त सूचना मिली और 7 अगस्त को सुबह के टाइम एक स्विफ्ट गाड़ी से 3 युवक को अरेस्ट किया गया। जैसा कि आपको बताया गया था पहले भी, उसमें संदीप था, एक गौतम था और एक नवीन था। उनसे पूछताछ की गई, उनसे जो आंसर की थी एक हार्ड कॉपी जो रिटर्न में, और कुछ जो मोबाइल से उन्होंने भेज रखी थी वो पुलिस को रिकवर हुई। उसके बाद पुलिस ने उनसे पूछताछ करी और आरोपी रमेश, जो कैथल में बालाजी एकेडमी नाम से चलाता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद एक और अन्य आरोपी राजेश को अंबाला से काबू करके गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक छठवां सदस्य जो नरेंद्र है, निवासी हिसार को, उसको 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए SIT टीम गठित की गई है, DSP CAW, CIA 1, CIA 2 और अन्य मुलाजिम साइबर सेल इंचार्ज इसमें लगाए गए हैं। जो अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें नरेंद्र ने जो आंसर की थी वो सप्लाई की थी रमेश को, जो यहाँ पे एकेडमी चलाता है। रमेश के कुछ कैंडिडेट्स थे जिसने रमेश ने जिसमें व्हाट्सएप के जरिए काफ़ी लोगों को वो आगे फॉरवर्ड की थी। कुछ लोगों को ये रिटर्न में इन्होंने नोट भी कराई थी। इसके बाद पुलिस ने आगे की इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो 7 अन्य आरोपियों को कल गिरफ्तार किया है, जिसमें पहला आरोपी उचाना कला जिनसे है, जिसने अपने साली के लड़के के लिए वो की मंगवाई थी। उसके बाद दूसरा उचाना खुर्द जिला जींद से है, जिसने अपने काका के लड़के के लिए मंगवाई थी। एक और अन्य व्यक्ति है जिसने इवनिंग शिफ्ट, वही बता देंगे आपको। फिर चौथा निवासी दरोली खेड़ा निवासी जींद ने अपने लड़के के लिए मंगवाई थी, और इसी प्रकार से जींद के एक और व्यक्ति है जिसने मंगवाई थी, और एक आरोपी सेगा का है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 6 आरोपियों की रिमांड ली जाएगी, उनसे फोन की जो बरामदगी है और आगे की पूछताछ के लिए, और एक आरोपी को जुडिशल भेजा जाएगा। तो अभी तक जो, क्योंकि अभी इसमें जो सोर्स है उसके लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक जैसे पता चला है कि नरेंद्र ने यहाँ पर कैथल में सप्लाई की थी रमेश को और अन्य लोगों को भी। तो जो इनकी डील हुई थी, नरेंद्र ने जहाँ से वो की ली, उन लोगों की 1 करोड़ में डील हुई थी कि 1 करोड़ रुपये वो देंगे, वो भी जब पेपर की सही प्रूव हो जाएगी उसके बाद। तो उसमें पुलिस आगे की जांच कर रही है। इन्होंने जो नीचे डील की थी, रमेश ने और बाकी कैंडिडेट्स ने, इन्होंने 12 से 18 लाख जितने भी जो लोग मिले, इस प्रकार से डील की थी। जो नरेंद्र है उसने 10 लाख में की थी, रमेश ने फिर उसको किसी को 12 लाख में, किसी को 13 लाख में, इस प्रकार से कई कैंडिडेट से डील की थी। जो पेपर लीक हुआ वो रमेश को 6 तारीख को शाम को मिल चुका था। उसके बाद पहले नरेंद्र को मिला 6-7 बजे, उसके बाद नरेंद्र ने इनको नोट कराया कैथल में आके रमेश को और कुछ और कैंडिडेट्स, जो अन्य लोग जो उनके साथ आए हुए थे उनको नोट कराया। तो ये लीक हुई। अब इसमें जो ऊपर की जानकारी है कि नरेंद्र को ये कहाँ से मिली और कहाँ से लीक हुई, इस बारे में पुलिस की जाँच चल रही है। और जिन जिन आरोपियों को, जिन जिन लोगों ने ये डील की थी, जो रमेश से जो कि इनके पास पहुँची थी, उनमें से भी हमने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहले पर लीक किया या पहले भी लीक करवाए उन्होंने देखो। अभी तक जो नरेंद्र की जो और रमेश से जो पूछताछ में आई है, रमेश पहले भी कई पेपर सेटिंग में इन्वॉल्व रहा है, इसकी एकेडमी है,
और वो डिटेल भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो पुरानी जो एयरफोर्स की भर्ती, क्लर्क की भर्ती, जो प्रारंभिक पूछताछ में जो अभी तक बातें आई हैं, ये इस कामों में रहा है। जो नरेंद्र है उससे अभी पूछताछ करेंगे हम और आगे की जांच करेंगे। अभी कोई राशि बरामद नहीं हुई है, जैसा कि मैंने बताया, जो इन्होंने सारा एक तरीके से कॉन्फिडेंस पे दे रखा था कि अगर वो सही निकल जाता है तो आप इतने पैसे दे देना। कुछ लोगों से इन्होंने चेक ले रखे थे एडवांस में, और कुछ लोगों को प्रॉमिस किया हुआ था कि इतने बजे अगर सही हो जाता है तो 7 तारीख को शाम को या 8 तारीख को आप इतने पैसे हमें दे देना। चारों पेपर की थी सर? अभी तक जो की है हमारे पास वो 7 तारीख की है। इनके पास से जैसे कि मैंने बताया कि मोबाइल इनके हैं, और एक हार्ड कॉपी जिसपे आंसर लिखे हुए थे ऑप्शंस, और एक हमारी जो व्हाट्सएप पे जो इन्होंने की भेज रखी थी ABCD, वो इनके मोबाइल में मिली है। कितने लोगों को भेजी? ये अभी इसमें अभी जांच चल रही है, और 15 से 20 लोगों को इन्होंने शायद भेजी है, उसमें अभी वेरीफाई कर रहे हैं, और उसमें से करीब 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। अभी कुछ लोगों से अभी उसमें आगे की कार्रवाई चल रही है, जैसे कि मैंने बताया इन लोगों की अभी रिमांड ली जाएगी, तो अगर जिससे एडवांस चेक लिए हैं वो भी बरामद किए जाएंगे, और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं कुछ चीज़ें हमने बरामद की हैं। जी, जो पुलिस है वो कड़ियाँ जोड़ते हुए जहाँ जहाँ से लीक हुई है उसका अहम कड़ियों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, और हम उस तक पहुँचना चाहेंगे जल्दी से जल्दी, जहाँ से ये सोर्स है, जहाँ से ये एक्चुअल में लीक हुई और इनके पास पहुँची, और फिर किस प्रकार से इसकी इसको बांटा गया और इसकी क्या डील हुई। गाड़ी में मैंने बताया था आपको 3 लोगों को पकड़ा गया था, जो सुबह ये माता गेट कैथल के नज़दीक से स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी गई थी। जैसा कि बताया, अभी तक हमारे जो आरोपी हैं, जो जिनके पास की पहुंची थी, वहां तक हम पहुंचे हैं। एक एक लेवल ऊपर हम जाते जा रहे हैं, और अब आगे जो जो आएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई चलेगी। देखिए, अभी इसमें क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं, अभी सारे लोगों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे कि मैंने बताया कि प्राइमा फेसी रमेश ने 15 से 20 लोगों के साथ लगता है शेयर की है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी जो सिटर्स भी थे, जो कि भाई किसी और की जगह कोई और बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, तो उस बारे में भी कुछ एविडेंस आए हैं। उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और उसमें यह था कि ये लोग प्रारंभिक पूछताछ में जो आया कि जो आधार कार्ड है उसको एडिट करके और उसमें सिमिलर मैचिंग फेस के कैंडिडेट को बिठा देते थे और उसको मिक्सिंग करके फ़ोटो को, तो उस बारे में भी अलग से जाँच चल रहा है। ये अम्बाला से नहीं, ग्रो में है कि नहीं एग्जैक्टली देखिए नहीं पता, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली हमें, जो इन लोगों को पकड़ा तो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसा भी चल रहा है, तो उसके बिना पर फिर हमने इनको पकड़ा है। नहीं देखिए, क्योंकि ये पेपर पहले ही लीक हो चुका था, 7 तारीख को एग्ज़ाम था, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आई है 6 तारीख को शाम को इनको अवेलेबल हो गया था, तो ये सेंटर से लीक होने की तो बात ही नहीं रही उसमें। अभी तक तो ये है कि पहले ही लीक हुआ है, कहाँ से लीक हुआ है वो अब जांच का विषय है। जो मुख्य आरोपी, जैसे कि मैंने बताया कि नरेंद्र है, नरेंद्र जिसने सप्लाई की यहाँ पर, और जो मेन है जो कैथल में है वो रमेश है, जिसकी एकेडमी थी, जिसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे, और जिसने ये मतलब डील की थी कि 10 से 12 लाख में या 15 लाख में हम पेपर प्रोवाइड करा देंगे। नरेंद्र का काम क्या था सर? सिर्फ यही काम था या कुछ और भी था? अभी तक तो यही है, बाकी पूछताछ जारी है।